नमस्कार, स्वागत है ई न्यूज एमपी में। मैं आपके साथ हिमांशु कनेरिया। सिटी कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा इन जिले की बैटरी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। वह आज शासकीय प्राथमिक पाठशाला सोनवर्षा का आकस्मिक निरीक्षण किया और उन्होंने निर्देशित किया कि विद्यालयों का अपने निर्धारित समय पर संचालन किया जाए। शिक्षकों तथा छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करें। बच्चों के लिए पुस्तकों, बैठने की, शुद्ध पेयजल तथा शौचालयों की व्यवस्था अच्छी हो। उन्होंने निर्देशित किया कि बच्चों को मेनू अनुसार गुणवत्तापूर्ण मध्यान्ह भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने उपस्थित शिक्षक को निर्देशित किया है कि परिसर में साफ सफाई नियमित रूप से हो, बच्चों को किसी प्रकार से पढ़ाई में असुविधा न हो। उसके साथ SDM गोपद बनास, नीलेश शर्मा, APC रसमा, सुजीत मिश्रा उपस्थित रहे। कौन से क्लास में है? 3 में। ये सारे सभी लोग 3 और 3 का क्लास। सीधी जिले के मझोली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिरोली में ट्रैक्टर कल्टीवेटर लगा इंजन पलटने से एक अधेड़ व्यक्ति की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक योगेंद्र मिश्रा, पिता राजमोहन मिश्रा, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम पंचायत सिरोला, अपने नए ट्रैक्टर से जुताई करके अपने घर सिरोला जा रहे थे। बताया गया कि जैसे ही सिरोला में मडवास मझोली मुख्य मार्ग से कच्चे मार्ग के लिए ट्रैक्टर घुमाया, इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे पत्थरों के ढेर में चढ़ गया और पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से चारों पहिया ऊपर हो गए और ट्रैक्टर चला रहा व्यक्ति दब गया और उसकी मौत हो गई। सीधी जिला पंचायत सभागार में आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को कलेक्टर साकेत मालवीय ने ध्यानपूर्वक सुना और निराकरण करने के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मारने का दर्दिन आपको वही आपका देख कर दर्द करना पड़ेगा। अभी इसको साथ को ले लेंगे आपको। आप क्या के लिए बच्चे कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा आज नोगामा दर्शनीय सिंह एवं अमरवाहा क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान एवं धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया और कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान नौगवा दर्शन सिंह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने विक्रय पंजी, स्टॉक पंजी संधारित करने, दुकानों पर स्टॉक रेट सूची बोर्ड, अत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों की सूची, दुकान खोलने का समय एवं दिन संबंधित अधिकारियों के नाम एवं मोबाइल नंबर दुकानों में प्रदर्शित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विक्रेता को चेतावनी देते हुए दुकान के व्यवस्थित संचालन तथा हित ग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार खरीफ उपार्जन के दृष्टिगत जय बाबा वेयर हाउस नौगवा दर्शन सिंह एवं धान खरीदी केंद्र अमरवाह
का निरीक्षण किया गया। उन्होंने उपार्जन केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया कि उपार्जन कार्य के दौरान कृषकों को असुविधा नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने किसान भाइयों की सुविधाओं के दृष्टिगत खरीदी केंद्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सिहावल विधायक कमलेश पटेल इन दिनों अपने क्षेत्र के भ्रमण में हैं, लगातार लोगों से मिलकर उनका हाल जानने में लगे हुए हैं। आज जहां कमलेश पटेल द्वारा बीते दिनों बहरी बाजार में व्यापारियों के दुकान तोड़ने की घटना की जानकारी मौके पर पहुंचकर ली गई। पीड़ितों से मुलाकात कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इसके पश्चात सिहावल विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक देवसर के ग्राम भौसाहुड़ में महंगाई, बेरोजगारी व किसानों के हितों को लेकर गांधी चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों से चर्चा की गई। सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल द्वारा कल अपने क्षेत्र के स्कूलों का भी औचक निरीक्षण किया गया और छात्रों के बीच पहुंचकर उनके पठन पाठन के बारे में चर्चा की गई। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रदेश व विंध्य क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube, Facebook, WhatsApp से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप रोज की खबरें हमारे वेबसाइट www.enewsmp.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा Google Play Store पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक बने रहिए ई न्यूज़ MP के साथ। धन्यवाद।